Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn Euler's theorem and its problems. First of all, iski statement kya hoti hai Euler's theorem ki? For any positive integer n, a raised to power phi n is a congruent to 1 modulo n. और यहाँ पे a और n की GCD 1 होती है, जैसे हमने फर्मेट थ्योरम की थी उसी तरह की थ्योरम है, पर यहाँ पे n n इंटीजर है, कोई प्राइम नंबर नहीं है, और a की पावर अगर phi n कर दें तो कोग्रेंट टू 1 मॉडुलो n आ जाएगा। अगर आपका n 1 है तो phi 1 आपका 1 हो गया, तो a की पावर 1 आ गई, a की पावर 1 इज कोग्रेंट टू 1 मॉडुलो 1, क्योंकि n भी 1 ले लिया हमने। सो 1 इज ऑलवेज डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो 1 a माइनस 1 के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 के लिए a1 a2 a5n इज अ रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो n। ये रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है, इसका मतलब ये सारे नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन सब की जीसीडी a और n की जीसीडी 1 है, तो कोई भी दो नंबर, ये रिड्यूस्ड रेसिड्यू का मतलब होता है कि ये जितने भी नंबर है सारे n के साथ को प्राइम है और इनमें से कोई भी दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमने ये शो करना है, ये जो नंबर्स हैं रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम बना रहे हैं, नंबर्स को जब a से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी एक सिस्टम बनेगा, रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम का मतलब है कि टू नंबर्स आर को प्राइम, सभी नंबर्स हैं वो n के साथ को प्राइम है और आपस में कोई भी नंबर कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे के। अब a और n की जीसीडी 1 है, गिवन है, और यहां पे ये भी लिखा गया है ai और an की जीसीडी भी 1 है, इसका मतलब दोनों को क्लब कर दिया अगर तो a ai और n की जीसीडी भी 1 होगी। अब मुझे ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि रिड्यूस सिस्टम का कि एक जीसीडी 1 होगी। अब मुझे ये शो करना है कि इसमें से कोई भी दो नंबर आपस में कोंग्रुएंट नहीं है, वी हैव टू शो दैट बोथ एनी टू नंबर इज नॉट कोंग्रुएंट। मान लीजिए आपस में कोंग्रुएंट है मॉडुलो n, तो n इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा भाई, तो a कॉमन आ गया, n a को तो डिवाइड करता है नहीं क्योंकि जीसीडी 1 है a और n की, इसका मतलब n इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब ai इज कोंग्रुएंट टू aj, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो ai j है ये आपस में, इसका मतलब होगा ये नॉट रिड्यूस सिस्टम हो गया, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये पीछे हमने माना था कि ये सारे आपस में नॉन कोंग्रुएंट है, इनकोंग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो सिस्टम है इट इज अ रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिस्टम है रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम, एक सिस्टम हमारे पास ये पड़ा है रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम, तो किसी ना किसी वे से ये वाले जो नंबर है इनके साथ आपस में कांग्रेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो आई और जे की जो वेरिएशन है 1 से लेके 5 एन है, तो यहाँ पे अब आई को 1 2 3 पुट करेंगे, इधर भी 1 2 3 पुट करेंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज आ गई है। तो ए कितनी बार यहाँ पे आ रहा है 5 एन टाइम्स, तो ए की पावर 5 एन होगी, बाकी ए 1 ए 2 ए 5 एन वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये सारी चीज इससे कट जाएगी, तो a की पावर 5n इज कोंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अब यहाँ पे ये है कि n अगर प्राइम नंबर नहीं है तो यूलर थ्योरम से क्वेश्चन करने हैं। जनरली हम पीछे हमने किए थे फर्मेट थ्योरम पे, वहां पे प्राइम नंबर था, ठीक है, वहां पे था ना a की पावर p माइनस 1 इज कोंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, तो वहां पे बेटा p प्राइम होता था, अगर p प्राइम नंबर नहीं होता तो हम यूलर थ्योरम लगाते हैं, जैसे 561 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इट फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना लीजिए, ठीक है जी, तो a और 561 की जीसीडी तो 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब a और 3 की जीसीडी 1 होगी, a और 11 की भी 1 होगी, a और 17 की भी 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पे हम यूलर थ्योरम लगाएंगे अलग अलग, इस पे अलग लगाई जाएगी, इस पे अलग लगाई जाएगी, इस पे अलग लगाई जाएगी। तो अगर 3 के लिए लगाएं तो a की पावर 5 3 इज कोंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, अगर 11 के लिए लगाई जाए तो ये हो जाएगी, अगर 17 के लिए लगाई जाए ये हो जाएगी। अब phi क्या होता है, यूलर फंक्शन आपको निकालना सिखाया गया है, अगर p प्राइम नंबर होता तो वो p माइनस 1 होता है, तो 3 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, तो 17 भी प्राइम है, तो एक एक कम होकर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो तीन कांग्रेस रिलेशनशिप आ गए, अब आपको बनाना है a की पावर 560, तो a की जो 2 है उसको इसको 280 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a की 560 बन जाएगा, तो a की 560 कोंग्रुएंट टू 1 आ गई, कोई 1 की जितने मर्जी पावर करो 1 ही रहेगा। इसी तरह a की जो 10 है उसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आपका बन जाएगा। इसी तरह a 16 को, अब 650 560 को डिवाइड करके देख लो कि 16 कहां आता है, डिवाइड करके तो वो आपका आ जाएगा 35 नंबर, तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, तो उसकी
पावर 35 का, तो तीनों केसेस में हमारा 1-1 आ गया। तो इन तीनों कॉन्ग्रेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तीनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम। As we prove this, तो मतलब कि जब आपके पास n एक जनरल नंबर आ जाए, प्राइम नंबर नहीं है, तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स बना के उस तीनों पर अलग अलग आयुलर थ्योरम लगा दीजिए। उसके बाद जितनी एक ही पावर बनेगी, टोटल पावर बनानी है आपने उसके बाद, जैसे 560 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 560 बने 280 से। इसी तरह 810 है, उसने 56 से मल्टीप्लाई करी, तो सभी की पावर 560 बना के आपके पास ये तीन रिलेशनशिप आ गए हैं। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, 24 रेज टू पावर दिस। अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए पहले आप 24 को लीजिए अकेला, मॉड्यूलो 17 करो। तो जब 24 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। अब क्वेश्चन में पावर है 1947, इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ इंडिया, तो 1947 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए क्वेश्चन में। अब 1947 को इसने 16 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि जब हमने 5 फंक्शन करना है, 517 करेंगे, जब हम 517 करेंगे वो 16 आएगा, तो इसलिए मुझे 16 से करके रखना पड़ेगा इसको डिवाइड। तो 1947 को 16 से डिवाइड करके ये रिमाइंडर आ गया, इस सभी को 7 की पावर कर दो, ब्रेक होके ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे 716 आ गया, इस पे हम लगाएंगे यूलर थ्योरम, 7 की पावर 517 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7, क्योंकि 7 और 17 की जीसीडी 1 है, 7 की पावर 16 1 होगी भाई। तो जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आयलर थ्योरम लग जाती, तो ये चीज तो आपकी खत्म ही होगी, 1 आ गई, तो 7 की पावर 11 रहेगी। अब इसको मॉड्यूलो 7 को और सॉल्व कर, 7 की 10 * 7 कर लो, 7 की 10 को ब्रेक कर लो, 7 स्क्वायर 5 कर लो, क्योंकि 17 से डिवाइड करना है ये 14 आ जाएगा। जब 14 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर है, इसमें 17 ऐड कर लीजिए जब तक पॉजिटिव ना आए, तो 49, दो बार 17 ऐड करोगे तो आपका बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 49, ये सॉरी ये 49 था ना, तो 49 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -2 बच जाएगा, दो नंबर आगे जाएगा ना, 51 पे जाएगा वो। ठीक है, तो -2 की पावर -32 होगी। ठीक है, -32 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2, 34 पे पूरा पूरा जाता है ना ये, तो ये आ गया 14 आ गया। तो 14 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर देगा ये आपका, सॉरी 14 ही आ गया बस। ठीक है, हमें 14 ही चाहिए, देखो तो इस चीज की जो वैल्यू है कितनी आ गई, कॉन्ग्रुएंट टू 14, इसको नंबर 1 में पुट कर दीजिए, हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन करते समय आपको बड़ा ध्यान रखना है, एक बार ही क्वेश्चन आपको समझ के लिख के करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रैम भी करना पड़ सकता है कि कैसे कैसे करना है। अब ये अगली एग्जांपल देखिए, फाइंड लास्ट टू डिजिट्स इन ऑर्डिनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट टू डिजिट्स का मतलब जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी के दो अक्षर क्या होंगे, यानी कि मुझे 100 से डिवाइड करना है, मॉड्यूलो 100 करना है। अब 100 एक प्राइम नंबर है तो 100 के फैक्टर बना लीजिए, 4 × 25, और 3 की पावर करना है ना, तो 3 और 4 की जीसीडी भी 1 है, 3 और 25 की जीसीडी भी 1 है, क्योंकि मैंने 3 की पावर का निकालना है, और डिवाइड भी 100 से करना होगा, लास्ट टू डिजिट्स पूछे हैं उसने, तो 3 की 54 किया 1 आ जाएगा, 3 की 25 किया 1 आ जाएगा। तो 54 आपको निकालना आता है, यूलर फंक्शन ये सिखाया गया है, 525 भी निकालना आता है। तो आपके पास ये बेटा दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब मुझे दोनों 3 की 100 करना है, क्या करना है, 3 की 100, इसको तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको किससे करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों के मेरे पास 3 की 100 के आंसर आ गए, क्योंकि 4 और 25 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जीसीडी 1 है तो मल्टीप्लाई होके वो आपका आ जाएगा 1 मॉड्यूलो 100, यानी कि अगर 100 से डिवाइड करें 3 की पावर 100 को तो वो बनेगा 1, यानी कि उसके लास्ट टू डिजिट्स आएंगे 01। अगर इसको ऐसे लिख ले 100 टी प्लस 1, तो टी को 0 पुट करेंगे तो आएगा 01, तो आपको यहां से आइडिया लेगा कि 1 इसका लास्ट डिजिट होगा और अदर डिजिट 0 हो जाएगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, 10 की पावर 39, तो यहाँ पे मॉड्यूलो 51 है, तो 51 को ब्रेक करो 3 × 7, ये आपका ए हो गया, तो 3 और 10 की जीसीडी भी 1 है और 17 और 10 की जीसीडी भी 1 है, दोनों पे अलग अलग आयलर थ्योरम लगा के आपका इतना बन गया। अब क्वेश्चन में पावर कितनी आ रही, 32 है, तो क्या करो इसको 32 एन बनाने के लिए, 16 एन से मल्टीप्लाई करो इसको, इसका 32 बनाने के लिए 2 एन से मल्टीप्लाई करो, ये आपको सेटिंग है,
30, इसके भी मान आ गया, इसका भी मान आ गया, दोनों को कंबाइन कर दो, 10 की पावर इतनी आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे 10 की पावर 9 भी है साथ में, तो 10 की 9 को अलग सॉल्व कर लेंगे। 10 की 9 को लिख लो 10 की स्क्वायर इंटू 10, ये 4 अलग हो गया। 10 की स्क्वायर होता है 100, तो जब आप उसको मॉड्यूलो 51 करेंगे 102 पर डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो -2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, -2 की पावर 4 करोगे तो वो 16 इंटू 100 160 आ जाएगा, 160 को 51 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आ गया आपके पास। तो ये वाली इक्वेशन और भाई ये वाली इक्वेशन दोनों को क्लब कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास वो 7 आंसर दे देगा। इसी तरह हमारे पास ये लीनियर कॉन्ग्रेंसी, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका एन है, ए और एन की जीसीडी वन है, तो इसका सोल्यूशन यूनिक होता है। तो इसमें हमारे पास एक्स निकालने का फार्मूला है, नोट कीजिए, एक्स निकालने का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू बी ए की पावर पाई एन -1। तो ये भी एक तरीका है सोल्यूशन निकालने का लीनियर कॉन्ग्रेंसीज का। तो 5 एंड 26 तो आपको निकालना आता है, ये निकाल लिया रफ रफ में आपने, तो 3 की पावर 11 26, तो ये जो निकल रहा है ये मेरा एक्स का आंसर निकल रहा है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बस, व्हाट इज दिस, दिस इज द आंसर फॉर एक्स। तो 3 की 11 को मॉड्यूलो 26 करके देख लो, तो 3 की 11 को तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, पहले 3 की क्यूब को कर लो, 27 आ गया, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 हो गया जी। अब फिर इसकी क्यूब कर दो, 3 की 9 बन जाएगा, तो 1 की क्यूब तो 1 ही हो जाएगी, तो 3 की 9 हमारे पास इसका आंसर है। तो दोनों तरफ 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 मॉड्यूलो 26, तो इसकी जगह 9 आ जाएगा आपके यहाँ पे, तो 5 इंटू 9 वो हो गया 45, 45 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट भी आप लोगों ने करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जीसीडी और एम और एन मान है, तो ये चीज आपने शो करके दिखानी है। ठीक है, जीसीडी एम और एन मान है, ठीक है, तो एक बारी एम मान लीजिए ए है, एम क्या मान लीजिए ए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, तो ए अपॉन फाइव एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन, तो एन विल डिवाइड दिस थिंग। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह जो एन है वो एन एन की पावर को डिवाइड ही करेगा, अपनी किसी भी पावर को डिवाइड करेगा, ये अलग क्वेश्चन बन गई। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने से वो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया भाई। अब जीसीडी ओ एम और एन वन है, तो उसको उल्टा लिख लिए, एन और एम की जीसीडी भी वन। अब आपका ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए ए कोमा एम की जीसीडी वन है, तो आयलर थ्योरम लगा दी कि ए की पावर 5 है, ए मेरा एन मान आ गया, तो एम इसको डिवाइड करेगा, एम अपने आप को भी डिवाइड करेगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इन दोनों को क्लब कर दीजिए, एम इन दोनों को डिवाइड करेगा प्लस को, तो यहां से आपके पास ये आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 एम एन विल डिवाइड दिस थिंग। ठीक है, तो यहां से आप इसको रिवर्स करके लिख दीजिए ये चीज, डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट यूलर्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसके क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।